आज हम एक ऐसा केक बना रहे हैं जो एकदम सॉफ्ट है, बिल्कुल बेकरी जैसा है, पर बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि इसमें मैंने न तो आटा डाला है न मैदा, और न ही तेल बटर घी का इस्तेमाल किया है, और न ही अंडा मिल्क मेड या मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सुमन बोल क्या रही है, जब कुछ डाला ही नहीं तो केक बना कैसे। तो दोस्तों, इसे बनाने के लिए हमें सारी सामग्री अपने फ्रिज से ही मिलेगी। आज की वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की रेसिपी है ही इतनी खास। तो चले बनाते हैं ये सुपर सॉफ्ट और टेस्टी केक, जिसे कोई भी आसानी से बना सकता है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मैंने एक मिक्सिंग बाउल में आधा कप ये मलाई लिया है। तो ये वही मलाई है दोस्तों जो हम घर में हमारे दूध आता है, बस ये उसके ऊपर जो मलाई जम जाती है वही मलाई मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। साथ ही 4 बड़े चम्मच मैंने यहाँ ताजा दही डाला है। तो ये दोनों सामग्री आपको अपने फ्रिज में आसानी से मिल जाएगी। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप मार्केट में मिलने वाले फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। तो इसको मैंने एक बार अच्छे से मिला लिया है ताकि मलाई का कोई भी बड़ा टुकड़ा इसमें न रहे। अब मैंने इसमें 3/4 कप पीसी हुई चीनी डाला है। तो अगर आपके पास पीसी हुई चीनी नहीं है तो एक बार इसको मिक्सी में डाल के चीनी को और इसे पीस ले, और अगर आप मीठा खाना ज्यादा पसंद करते हैं तो पूरे 1 कप आप इसमें चीनी डाल सकते हैं, बट मैंने थोड़ा सा चीनी कम इस्तेमाल किया है इसमें, और इसको डाल के एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैंने यहाँ लिया है ये 1/2 कप दूध है, और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लिया हुआ ये दूध है। तो इसको मैंने आधा अभी डाला है, आधा हम अभी बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो ये तीनों सामग्री दोस्तों आपको अपने फ्रिज में आसानी से मिल जाएगी। अब मैंने यहाँ पे 1 कप + 1/4 कप सूजी लिया है, ये वही सूजी है जो हम अपने घर में हलवा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यानी मैंने पूरे 1/4 कप यहाँ पे सूजी का इस्तेमाल किया है, और इसको भी अच्छे से इस बैटर के अंदर डाल के, और थोड़ा थोड़ा हम सूजी डालेंगे और इसको मिलाते जाएंगे। इससे क्या होगा कि इसके अंदर कोई भी गांठें नहीं पड़ेंगी। तो इसको एक हाथ से आप चलाते जाएं, दूसरे हाथ से थोड़ा थोड़ा इसमें सूजी मिलाते जाएं। तो अगर आपके पास मोटी सूजी है दोस्तों तो उसको एक बार मिक्सी में पीस जरूर लें, तब आप इसमें मोटी सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, और अगर आपको बैटर गाढ़ा लगे तो इसमें थोड़ा सा आप दूध और भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा और अभी दूध डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि सूजी जो है वो अच्छे से फूल जाए और अच्छे से सेट हो जाए, और जब तक सूजी फूलती है तब तक हम ये केक टिन अपना तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे गोल शेप में जो केक टिन है ना वो इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये हमारे घरों में अक्सर होता है। मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको चिकना कर लिया है। तो चारों तरफ आप तेल को फैला के और इसको अच्छे से ग्रीस कर ले ताकि केक जब बने तो आसानी से निकल जाए। साथ ही मैंने इस पे एक बटर पेपर को काट के रखा था, इसके ऊपर अंदर डाल दिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप सूखे मैदे को भी छिड़क के और इसको चिकना कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ मैंने गैस पे कढ़ाई के ऊपर अच्छे से स्टैंड रख के ढक दिया है, और मीडियम फ्लेम पे इसको प्रीहीट करने के लिए छोड़ दिया है। सूजी भी 25 मिनट के बाद देख सकते हैं अच्छे से ये फूल गया है, और अगर ये बैटर गाढ़ा लगे तो आप इसमें जो बचा हुआ दूध है वो इसके अंदर डाल दें। तो यानी पूरे मैंने यहाँ पे 1/2 कप दूध का इस्तेमाल किया है। अगर आपको ये बैटर ज़्यादा गाढ़ा लगे तो आप इसमें 1-2 चम्मच और दूध डाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर अपने फ्लेवर के हिसाब से, चाहे तो आप इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं या फिर चाको चिप्स डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फ्रूटी फ्रूटी का इस्तेमाल किया है, इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है, और हम अपने इस बैटर में डाल देंगे 1 टी स्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टी स्पून डालेंगे बेकिंग सोडा। तो इसको डालने के बाद हम इसको एक बार और अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि कहीं ये बेकिंग सोडा और ये बेकिंग पाउडर एक जगह इकट्ठा ना रहे, अच्छे से ये बैटर के साथ मिक्स हो जाए। और इसको मिलाने के बाद हमें बैटर को छोड़ना नहीं है, फटाफट इसे बेक करने के लिए रखना है। तो हम सबसे पहले इसको एक केक टिन में डाल देंगे और
इसको डालने के बाद एक बार केक टेन को हम थपथपा देंगे ताकि कोई भी इसमें एयर बबल्स हो तो वो निकल जाए। अब आप इसके ऊपर से अपने पसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं या फिर चॉको चिप्स डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे मिक्स यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स रखे थे काट के छोटे छोटे, वो मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं। हम इसको रख देंगे अपने जो कढ़ाई हमने प्रीहीट कर रखी थी उसके अंदर इस केक टिन को रख देंगे। गैस का फ्लेम लो मीडियम कर देंगे और 30 मिनट के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम में बेक करेंगे। तो अगर आप इसे कढ़ाई में नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसको प्रीहीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पे 25 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं 30 मिनट हो गया है। एक बार हम इसको एक टूथपिक डाल के चेक करेंगे और ये केक अच्छे से पक गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बिना तेल के बिना घी बटर के ये हमारा कितना सॉफ्ट केक बना है। तो थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसको केक टिन से निकालेंगे। इससे क्या होता है कि केक बिल्कुल टूटता नहीं है, जब हम इसको काटेंगे तो ये आराम से कट जाएगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों, इस केक को देख के किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। बहुत ही टेस्टी केक बनता है और बहुत ही हेल्दी होता है। और घर में रखी ये सामग्री से हम ये केक को बनाएंगे, बहुत ही लाजवाब केक बना है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो इसे लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि बाकी की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।